नमस्कार दोस्तों, मखाने जो कि आपके घर में छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, वह आपके खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा उपयोगी भी माने जाते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति नींद ना आने की वजह से परेशान होते हैं उनके लिए मखाने बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा होता है और खनिज भी होता है। यदि इनका आप सेवन करते हैं और आपको नींद नहीं आने की परेशानी है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप देसी घी में मखानों को फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद उसमें नमक मिला सकते हैं या फिर थोड़ी सी उन्हें नमकीन करने के लिए नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको स्वादिष्ट भी लगे और उसके साथ साथ आपकी जो नींद ना आने की परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं स्वास्थ्य को लेकर या फिर आपको गठिया की भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मखाना जिस तरह से सुंदर नज़र आता है वैसे ही आपके अंदर की सुंदरता को भी दर्शाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हेल्दी होने की वजह से मोटापे को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, तो आपके जो साथ में रहने वाले आपके सहेली हैं या फिर दोस्त हैं आपका मजाक उड़ाने लगे हैं या फिर आपको मोटा कहने लगे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मखाने को फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन उसे कम मात्रा में खाएं तो बेटर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी नींद के लिए भी। आपकी आंखों की रोशनी की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है या फिर आपको आंखों से नज़र नहीं आता है जिसे कि आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मखानों का सेवन करें। यदि आप मखानों का सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी में भी जो कमी आ रही है वह भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और यदि आप किसी बच्चे को जन्म देने वाली हैं या गर्भवती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मखाने का सेवन कर सकती हैं। आप मखाने को फ्राई करके या फिर पिस्ता के साथ उन्हें मिक्स करके खा सकती हैं। ऐसा करने से आपका जो हेल्दी बच्चा होगा वह आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मखाना जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वह आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा बना सकता है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।